वेलकम टू द स्टडी कैफे बाय सत्य। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें मैंने टीथ के बारे में आधा बात बता दिया था। और आज के वीडियो में मैं आपको टीथ का जो है वो आपको मैं पार्ट्स बताऊंगा कि टीथ का पार्ट कैसा कैसा होता है और इनका क्या क्या नाम है। और अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हो तो आप जाकर पहले पार्ट 1 का वीडियो देख लो। पार्ट 1 का वीडियो जो है उसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप जाकर पहले पार्ट 1 देख लो, फिर आप ये वाला वीडियो देखना, ठीक है। अब मैं आगे का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। ए टूथ हैज़ 2 पार्ट्स, दांत के 2 पार्ट होते हैं, ए क्राउन एंड अ रूट। क्राउन और रूट, तो जो आपको पार्ट दिखता है ना, जैसे कि अगर आप आईने में देखते हो तो जो वाइट वाइट पार्ट दिखता है उस पार्ट को हम लोग कहते हैं क्राउन। उस पार्ट को क्या कहते हैं? उस पार्ट को कहते हैं क्राउन। और जो पार्ट हमारे मांस के अंदर है जो नहीं दिखता है उसे कहते हैं हम लोग रूट, ठीक है। क्या कहते हैं? रूट। द क्राउन इज़ द पार्ट दैट वी कैन सी आउटसाइड द गम। द रूट इज़ द पार्ट ऑफ अ टूथ इनसाइड द गम, तो जो गम के अंदर होता है, ठीक है। गम मतलब आप देख लो ये फिगर में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो चमड़ा जो है स्किन कलर का, उसे गम कहते हैं। द आउटर मोस्ट पार्ट वाइट पार्ट ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड एनामेल, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आर बॉडी। और हमारे दांत का जो वाइट वाइट परत होता है उसे कहते हैं एनामेल, और ये बहुत ही मजबूत पार्ट होता है हमारे बॉडी का। बिलो एनामेल, एनामेल के नीचे होता है डेंटाइन, और ये भी बहुत हार्ड होता है। इनसाइड डेंटाइन लाइज अ सॉफ्ट पल्प, और डेंटाइन के अंदर सॉफ्ट पल्प होता है। इट फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ, और वो जो कि दांत के बिल्कुल बीचों बीच होता है। इट हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, और इसी यही पल्प के अंदर नर्व्स होते हैं, छोटे छोटे नस होते हैं जो खाना पहुंचाते हैं आपके दांत को और आपके दांत को स्ट्रांग रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, हम लोग अपने दांत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। आप ध्यान से ये सभी बातों को सुनना, ठीक है, और ये सभी को अपने आप खुद फॉलो करना, और आपके जो भी छोटे भाई बहन है ना उसे भी फॉलो कराना। और हाँ, जब आपकी किसी फ्रेंड से बात होगा आपका व्हाट्सएप पर या फिर कॉल पर या फिर जब आप स्कूल जाओ तो आप उन्हें भी बताना, ठीक है, कि आप कैसे दांत का ख्याल कर सकते हो। टीथ हेल्प अस टू कट टीयर एंड च्यू फूड, दांत जो होता है वो हमें मदद करता है खाना को काटने में, फाड़ने में और उसे चबाने में। When we eat food, particle get stuck in the gap between our teeth. और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम चबाते हैं खाने को, तो छोटा छोटा जो food particle होता है ना वो हमारे दांतों के बीच फंस जाता है। These food particle need to be removed. और ये जो part फंस जाते हैं ना उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। If the teeth is not cleaned properly, germs can grow on them and form a yellow sticky layer called plaque. और वो अगर आप वो जो छोटा पार्टिकल दांत के अंदर फंस गया है उसे अगर आप बाहर नहीं निकालोगे तो उसमें ना बैक्टीरिया लग जाएगा, उसमें कीड़ा लग जाएगा और आपका दांत पूरा पीला पीला हो जाएगा। दिस जर्म्स चेंज द शुगर प्रेजेंट इन फूड पार्टिकल्स इनटू एन एसिड, और जब भी आप कुछ खाना खाओगे ना तो वो जो बैक्टीरिया हो गया है आपके टीथ पे वो खाने के साथ पेट में चला जाएगा, जिससे क्या होगा आपको बहुत पेट दर्द करेगा। दिस एसिड अटैक द एनामेल एंड मेक अ होल कॉल्ड कैविटी, और फिर बाद में जब वो बैक्टीरिया आपके दांत में रहेगा तो वो धीरे 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 करके आपके दांत में छेद कर देगा। व्हेन द कैविटी रीचेस द पल्प, और मैंने पल्प दिखाया था ना, पल्प अभी थोड़ी देर पहले, ये जो है ये पल्प है, ये जो लाइन लाइन दिया गया है और ये रेड कलर से है इसे पल्प कहते हैं। तो ये पल्प में जब ये जम जो है पहुँच जाएगा वहाँ तक तो बहुत फिर दर्द करेगा दांत। द टूथ स्टार्ट पेनिंग, टूथ डिके रिजल्ट इन बैड ब्रीथ, टूथ एक एंड इनडाइजेशन, और जब आपका दांत वो फिर जब वो ख़राब हो जाएगा ना तो आपका मुंह से बदबू मारेगा, आपका मुंह महकेगा, आपके दांत में दर्द होगा और आपको इनडाइजेशन होगा, आपका जो भी खाओगे ना तो फिर वो बचेगा ही नहीं, आप उल्टी कर दोगे, ठीक है। तो क्या तरीका है बचने के लिए, ऐसा क्या करें जो हमारे दांत में जम्स ना लगे।
तो आप यहाँ से ध्यान से सुनना, ठीक है? वेज टू प्रोटेक्ट आवर टीथ, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, आप एक दिन में दो बार ब्रश करना, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, एक बार दिन में एक बार सोने से पहले, क्लीन बोथ द इनर एंड आउटर सर्फेस ऑफ टीथ प्रॉपरली, और दांत के अंदर बाहर दोनों तरफ अच्छे से साफ करना, ब्रश द अपर टीथ डाउनवर्ड एंड लोअर टीथ अपवर्ड, और जो नीचे के दांत हैं और ऊपर के दांत हैं उसे बहुत अच्छे से अब ब्रश करना, ब्रश द च्यूइंग सर्फेस ऑफ प्रीमोलर एंड मोलर, और हम लोग चबाते हैं प्रीमोलर और मोलर की मदद से ना, तो आप प्रीमोलर और मोलर को भी बहुत अच्छे से वॉश करना, रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील विथ वाटर टू रिमूव फूड पार्टिकल स्टक बिटवीन देम, और अच्छे से हमें कुल्ला करना चाहिए जब भी हम कुछ खाना खाएं तो, ताकि जब हम कुल्ला कर लेते हैं ना तो वो जो स्टक पार्टिकल है, जो छोटा सा फूड का पार्टिकल जम गया है वो आपके दांत से निकल जाएगा, अवॉइड ईटिंग टू मच चॉकलेट स्वीट एंड स्टिकी फूड, और आप कोशिश करो कि आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि चॉकलेट स्टिकी होता है ना तो आपके दांत के अंदर घुस जाता है, फिर आपका जम्स होने लगे हो जाएगा तो आपका दांत दर्द करेगा, ईट फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल लाइक कैरेट रेडीज एंड ड्रिंक मिल्क एवरी डे फॉर हेल्दी टीथ, और आप रोज़ दिन में एक बार कभी एकदम एक ग्लास दूध पीना, ठीक है? जब आप एक ग्लास दूध पियोगे ना तो आपका दांत पूरा साफ रहेगा, विजिट अ डेंटिस्ट इन एवरी सिक्स मंथ, और हर छः महीने में आप अपने मम्मी पापा को बोलना है कि मेडिकल चेकअप के लिए मुझे आप डेंटिस्ट के पास लेके चलो, डेंटिस्ट सर हमें देखेंगे कि हमारे दांत में कीड़ा है या नहीं है, ठीक है? समझ गए? तो बच्चों आप ये सब बातें फॉलो करोगे ना मेरा, आप प्लीज़ फॉलो करना, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, जब आप मेरी बातों को फॉलो करोगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? अब हम आगे पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारा खाना पचता है, ठीक है? तो अब हम इसे पढ़ेंगे, वी ईट अ वराइटी ऑफ फूड एवरी डे, हम लोग बहुत तरीके के खाना खाते हैं एक दिन में, द फूड वी ईट इज़ ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटेंस सो दैट न्यूट्रिएंट्स इन द फूड कैन एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, और हम लोग जो भी कुछ खाते हैं वो टूट कर सिंपल मतलब न्यूट्रिएंट्स में बदल जाता है जो कि हमारे बॉडी को रिक्वायर होती है, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन टू सिंपलर सब्सटेंस, और वो जो सिंपलर फूड जो टूटता है उसी प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन, मेनी ऑर्गन वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट द फूड, और बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे पेट के अंदर काम करते हैं ताकि हमारा जो खाना है वो पच जाए, दिस ऑर्गन फॉर्म्स अ सिस्टम कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, और इन्हीं सभी ऑर्गन्स को जब हम मिला देते हैं तो उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, समझे? अब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो खाना पचता कैसे है? तो सबसे पहले माउथ, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ, इन द माउथ टीथ च्यूइंग एंड ग्राइंड द फूड इन टू स्मॉल पीसेस, ड्यूरिंग च्यूइंग अ लिक्विड कॉल्ड सलाइबा मिक्स विद द फूड, इट मेक द फूड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट एंड हेल्प इन डाइजेशन, तो डाइजेशन हमारा कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है? डाइजेशन जो होता है वो मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे आप खाना खाते हो ना तो आपके खाने में सलाइवा मिलता है, सलाइवा यानी कि थूक मिलता है, और जिससे कि खाना जो होता है वो और भी मुलायम होता है ताकि वो अंदर जा सके, ठीक है? दूसरा क्या है? ऑसोफेगस और फूड पाइप, फिर जो आप खाना को निगलते हो वो ऑसोफेगस के होते हुए वो नीचे जाता है स्टोमक के पास, स्टोमक में क्या होता है? तीसरा देखो, द स्टोमक इज़ अ सेक लाइक ऑर्गन वेयर डाइजेस्टिव जूस ब्रेक्स डाउन द फूड फर्दर, फिर स्टोमक में खाना जो होता है वो और टूट जाता है और छोटा छोटा हो जाता है, फिर चौथा स्टोमक के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फ्रॉम स्टोमक द फूड पासिस इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव जूसेस कम्प्लीटली डाइजेस्ट द फूड, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव फूड आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन टू द ब्लड, ब्लड कैरीज दिस न्यूट्रिएंट्स टू द पार्ट ऑफ द बॉडी, फिर जो भी आप खाए थे वो फूड पाइप से गया स्टोमक में, स्टोमक से फिर गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जितने भी बॉडी पार्ट है ना वो खून को भेज दिया, और खून क्या किया? पूरे बॉडी पार्ट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स को भेज दिया। पांचवा पॉइंट है लीवर, लीवर इट प्रोड्यूसेस अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड अ बाइल, तो लीवर में जो बाइल प्रोड्यूस होता है दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि हमें मदद करता है हमारे डाइजेशन में,
बाइल मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर डाइजेस्टिंग द फूड, और जो बाइल है लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है ताकि वो खाने को पचा सके। फिर छठा है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कम्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड फॉर्म्स फीसेस। और फिर लीवर से, फिर लीवर जो बाइल गैस प्रोड्यूस करता है और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो जाता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जितने भी खाने का वाटर है वो एब्जॉर्ब कर हो जाता है और फिर जो खाना हम खाए थे जो वेस्ट बचा था वो प्रॉपर पॉटी बन जाता है। फिर सातवां पॉइंट क्या है, फेसेस पास आउट बाय द बॉडी थ्रू द एनस। और फिर हम सुबह में पॉटी करते हैं और फिर हमें लगता है अच्छा है ना, पॉटी करने के बाद हमें अच्छा फील होता है। क्यों अच्छा फील होता है, हमें अच्छा फील इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी गंदगी थी ना तो वो सभी बाहर निकल जाते हैं। तो एक हैबिट आप जो मैं आपका मैंने बताया कि आप दांत साफ कैसे करोगे तो आप वो फॉलो करना, और दूसरा हैबिट आप ये फॉलो करना कि आप एवरी डे सुबह में आप पॉटी करने के लिए जाना, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट और मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया ये चैप्टर। आपको कैसा लगा ये चैप्टर, अच्छा लगा, इजी है ना, बहुत इजी है ये। तो अब मैं होप करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ जाएंगे और आप अच्छे से अब स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तब तक के लिए अब मैं चाहता हूँ, और तब तक जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तब तक आप अपना ख्याल रखना, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, आप अपने दांत का ख्याल रखना, आप अपने स्टोमक का ख्याल रखना और आप अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखना, ठीक है ना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।